बाड़मेर के केकड़ ग्राम पंचायत के कारटिया सरपंच उमा कंवर व ग्राम विकास अधिकारी पेमा चौधरी ने आज गांव की गलियों व दुकानों पर दवाइयों का छिड़काव कर गांव में सैनिटाइज करने में जुटे हुए हैं। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 348 तक जा पहुंची। सबसे ज्यादा मरीज जयपुर में 106 है। राज्य मंत्री राजेंद्र यादव व विधायक इंद्राज गुर्जर ने आज पावटा पंचायत समिति सभागार में कोरोना को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य मंत्री राजेंद्र यादव विधायक इंद्राज गुर्जर ने बिना भेदभाव के एकजुट होकर सबका साथ लेकर निस्वार्थ भाव से सेवा करने की व कोरोना जैसी महामारी पर जीत हासिल करने के लिए संकल्प लिया। प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए जोधपुर के ओसिया कस्बे की सामाजिक सेवा समितियां व पत्रकार संघ द्वारा कस्बे व गांवों के अलग अलग इलाकों में जाकर घरों व सार्वजनिक स्थानों को सैनिटाइज किया गया। जोधपुर में महावीर जयंती पर जगह जगह खाद्य सामग्री वितरित व प्रत्येक वर्ष नवकार धाम नारनाड़ी में बड़े ही उत्साह से जयंती मनाते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की विपदा से महावारी जयंती बड़े पैमाने के साथ में नहीं मनाई गई। ओसिया नगर के बासनी राजपुरोहितान गांव में राजपुरोहित समाज द्वारा लॉकडाउन के दरमियान भोजन के पैकेट बनाकर वितरित किए जा रहे हैं। बाला राजपुरोहित समाज सेवा कार्य में हमेशा अग्रणी रहता है। पावटा कस्बे के सरकारी व निजी अस्पताल के डॉक्टरों पर FIR को लेकर डॉक्टरों ने आक्रोश जताते हुए राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, विधायक इंद्राज गुर्जर व उपखंड अधिकारी SDM को एक ज्ञापन सौंपा। बेंगलुरु के राजपुरोहित संघ की ओर से COVID-19 की समस्या से निजात पाने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 5,11,000 रुपए का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा से भेंट कर संघ के पदाधिकारियों ने यह राशि सौंपी। अलवर के बांसुर में कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए बांसुर का संपूर्ण चिकित्सा परिवार मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार यादव के नेतृत्व में पूरी श्रद्धा लगन से ही सराहनीय कार्य कर रहा है।